आज हम लोग करने वाले हैं WH क्वेश्चंस का सेकेंड सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स का, जिनका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए और कुछ बताने के लिए दोनों अर्थ में करते हैं। इससे पहले पहला आप आई होप वीडियो देखे होंगे, जिसमें हम लोग व्हाट व्हेन व्हाई इसका सब कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको चेकआउट कीजिएगा और वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट WH क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके इंग्लिश को बेहतरीन बनाने वाले हैं। चाहे आप रिटेन इंग्लिश की बात कर रहे हो, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हो, हर इंग्लिश में आपको इनका प्रयोग मिलेगा निश्चित रूप से। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारे पास वर्ड है विच और इन विच। तो विच का मतलब होता है कौन सा, किसमें या जो, तीनों अर्थ में प्रयोग होता है, कौन सा, किसमें और जो। ध्यान रहे, जब भी आपको मे वर्ड लग जाए हिंदी में यानी किसमें, तो वहां पे आप विच के पहले इन लगा लेना, इन विच। विच के पहले अगर इन लगा लोगे इन विच, उसका मतलब मे वाला अर्थ आ जाएगा। इन का मतलब मे होता है। प्रश्न पूछने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, और कुछ बताने के लिए भी। अगर प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल हो तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना और हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना सब्जेक्ट के, और जब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग नहीं हो तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे और वर्ब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। तो आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तुम्हें कौन सा कलम चाहिए, तुम्हें, तो पूछा जा रहा है कौन सा कलम चाहिए, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले WH वर्ड लेना पड़ेगा। कौन सा, तो सबसे पहले आप WH वर्ड ले लो विच, ठीक है। कौन सा कलम, तो विच पेन, विच पेन। अब आगे हमको करना है चाहिए, तो आप चाहिए के लिए नीड का प्रयोग कर सकते हैं। विच पेन डू यू नीड, तुम्हें कौन सा कलम चाहिए। यहाँ पे नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है। जो नीड है वो आपको मैंने मॉडल्स में बताया हुआ है कि ये सेमी मॉडल भी है, मेन वर्ब का भी काम करता है। तो विच पेन डू यू नीड, तुम्हें कौन सा कलम चाहिए, या कौन सा कलम तुम्हें चाहिए, प्रश्न पूछ रहे हैं। विच पेन डू यू नीड। अगला है जो कलम लाल है वह बहुत अच्छी है। अब यहां पर देखो जो का अर्थ लेगा विच, जो कलम लाल है तो आप यहां पर लिखोगे द पेन, द पेन विच, द पेन विच का मतलब जो कलम, द पेन विच इज रेड, द पेन विच इज रेड, बहुत अच्छी है, तो इज वेरी नाइस या वेरी गुड, बहुत अच्छी है, इज वेरी गुड। यहां पे क्लॉज के रूप में हम बना रहे हैं, तो यही जो सब्जेक्ट है हमारा द पेन, इसका भी सब्जेक्ट है द पेन इज वेरी गुड, लेकिन हम दो बार उसको नहीं लिख करके एक ही बार से काम चला लेते हैं, ठीक है। द पेन विच इज रेड इज वेरी नाइस या इज वेरी गुड, जो कलम लाल है वह बहुत अच्छी है, क्लियर। यहां पे देखो विच का मतलब जो हो गया, यहां पे विच का मतलब कौन सा हो गया, प्रश्न पूछने के लिए किया गया था, यहां बताने के लिए किया गया था। तुम कौन से घर में रहते हो, अब देखो कौन से घर में आ गया ना, तो आप क्या लिखोगे इन विच, इन विच लिखोगे, ठीक है। में आ गया तो इन, इन विच हाउस या इन विच होम। डू यू लिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इन विच हाउस डू यू लिव, तुम कौन से घर में रहते हो या तुम किस घर में रहते हो, किस घर में भी हो सकता है। इसको देखो दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, विच हाउस डू यू लिव इन, इन लगाना पड़ेगा हमको, चाहे आप विच के पहले लगाओ चाहे आप लिव के बाद लगाओ। दूसरा तरीका इसका कैसे हो सकता है प्यारे बच्चों, तो आप इन को यहां से हटा लो, विच हाउस डू यू लिव इन, क्योंकि में लगा हुआ है तो आपको इन लगाना पड़ेगा, तो विच के पहले आप डाल सकते हो या अंत में जो वर्ब है हमारा उसके बाद डाल सकते हो। इन विच हाउस डू यू लिव या विच हाउस डू यू लिव इन, कौन से घर में तुम रहते हो, यहां पे में आ गया तो इन विच, ठीक है, विच के साथ आप इन एड करोगे। तुम जो कुछ भी चाहो कर सकते हो, जो कुछ भी, वाट एवर, वाट एवर या वाट सो एवर, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हो, तुम जो कुछ भी चाहो कर सकते हो, तो आप बना लो वाट एवर, वाट एवर या वाट सो एवर भी आप लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहां पे कौन सा होगा। वाट एवर यू वांट टू डू कैन डू, वाट एवर यू वांट टू डू कैन डू, यहां चूंकि प्रश्न नहीं पूछा गया है इसलिए हम फुल स्टॉप लिखते हैं। वाट एवर यू वांट टू डू, वांट का मतलब चाहना, तुम जो चाहो, वाट एवर यू वांट टू डू, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, तो वाट एवर, वाट सो एवर भी लिख सकते हो,
ठीक है, वह जब कभी भी चाहे यहां आ सकती है, जब कभी भी। अब देखो जो कुछ भी मतलब व्हाट एवर या व्हाट्स एवर, जब कभी भी या जब कभी भी आप यहां ऐड कर लोगे, ठीक है, दोनों सेंस में अर्थ हो जाएगा। तो व्हेन एवर या व्हेन सो एवर, तो सब्जेक्ट आप ले लोगे व्हेन सो एवर या व्हेन एवर के बाद। तो व्हेन सो एवर या व्हेन एवर ले लोगे, जो आपकी मर्जी। व्हेन एवर सी और सी के साथ चलेगा वांट्स, व्हेन एवर सी वांट्स कैन कम हियर, यहां आ सकती है तो कैन कम हियर। सकना के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। वह जब कभी भी चाहे यहां आ सकती है, व्हेन सो एवर सी वांट्स कैन कम हियर। अगला है डियर स्टूडेंट्स, यहां जो कोई भी चाहे रुक सकता है, तो जो कोई भी के लिए आप प्रयोग कर लोगे हु एवर या हु सो एवर। जो का मतलब होता है हु, या हु का मतलब कौन भी होता है, मैंने ये पढ़ाया है आपको। तो जो कोई भी इसका मतलब हो जाएगा हु एवर या हु सो एवर, और चाहे तो यहां पे आप ले लोगे वांट्स। चूंकि ये इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के साथ आप वी फाइव का प्रयोग कर लोगे। जब क्लियर हो जाए कितने लोग हैं तब वहां पे देखेंगे कि सिंगुलर होगा तो वी फाइव और प्लूरल होगा तो वी वन, अदरवाइज वी फाइव का प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट के लिए। हु एवर वांट्स यानी कि जो कोई भी चाहे। अब आगे है रुक सकता है तो कैन स्टे, जो कोई भी चाहे रुक सकता है। हु एवर वांट्स कैन स्टे हियर, तो हो गया हु एवर वांट्स कैन स्टे हियर, जो कोई भी चाहे यहां रुक सकता है। आई होप आप इन सब का प्रयोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब आगे हम लोग करने वाले हैं व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट एल्स, फ्रॉम, व्हेन, सिंस, व्हेन और फॉर व्हाट। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, यह किस तरह का मजाक है, किस तरह का, किस तरह का मतलब व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ। तो इसमें देख लेंगे व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर लेंगे, किस तरह का, किस प्रकार का। तो चलो बनाते हैं व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ जोक इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ अ जोक इज दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ जोक इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस, किस तरह का यह मजाक है, तुम किस तरह के लड़के हो, व्हाट टाइप ऑफ अ बॉय आर यू। प्रश्न पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना सब्जेक्ट से, ठीक है। उसी तरीके से यह किस तरह का जानवर है, व्हाट टाइप ऑफ एन एनिमल इज दिस, है ना। अगला है प्यारे बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ तुम और क्या कर रहे हो आजकल, यानी आजकल तुम पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर रहे हो। तो और क्या का मतलब होता है एल्स व्हाट, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे तरीके से सारे वर्ड्स को। और क्या का मतलब व्हाट एल्स, तो चलिए डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू करेंगे। व्हाट एल्स आर यू डूइंग विथ स्टडी नाउ अडेज, आजकल का मतलब हो गया नाउ अडेज या दिस डेज भी आप लिख सकते हो। व्हाट एल्स आर यू डूइंग विथ स्टडी नाउ अडेज यानी तुम पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर रहे हो आजकल। तो और क्या का मतलब हो गया व्हाट एल्स। अगला है तुम कब से बाहर खड़े हो, तो कब से का मतलब होता है सिंस व्हेन या फिर फ्रॉम व्हेन, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हो। तो चलो सिंस व्हेन का प्रयोग कर सकते हो, सिंस व्हेन और खड़े हो, ये कंटिन्यूटी में है, खड़ा होने का काम अभी भी जारी है तो कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर लो। सिंस व्हेन आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, सिंस व्हेन आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, तुम बाहर कब से खड़े हो, तुम यहां कब से रह रहे हो, तो आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो। और जब टाइम दे दिया जाए तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग कर सकते हो। वह किस लिए यहां आती है, किस लिए का मतलब हो गया फॉर व्हाट।
वह किस लिए यहां आती है, तो आप चलो लिख लो यहां पे फॉर व्हाट, और आती है रूटीन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस डज सी कम हियर, फॉर व्हाट डज सी कम हियर, वह किस लिए यहां आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप इसको बना लेंगे। तो आई होप आपको इन डब्ल्यू एच क्वेश्चन का और डब्ल्यू एच वर्ड्स का, जिसका प्रयोग हम लोग एज एन इंट्रोगेटिव करते हैं, चाहे हम लोग इसको कंजंक्शन के रूप में कुछ बताने के लिए करते हैं, ऐड करने के लिए करते हैं, इनका प्रयोग आपने सीखा। इनका और भी आप खुद से सेंटेंसेस बनाएं, तुम किस लिए यहां रह रहे हो, तुम किस लिए यहां रहते हो, उसी तरीके से आप इनका प्रयोग करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ तुम और क्या कर रहे हो, या फिर घूमने के साथ साथ तुम और क्या घूमना चाहते हो, खाने के साथ साथ तुम और क्या सुन रहे हो, तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग कर लेंगे। वह कब से यहां बैठी है, तो आई होप आप इनका प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी आपको डाउट्स होंगे आप कमेंट्स करके बताना। हम लोग डब्ल्यू एच में आज सेशन टू कंप्लीट किए हैं, जिसमें काफी सारे आपको अच्छे अच्छे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जिनका स्पोकन इंग्लिश में काफी इस्तेमाल होता है, रिटेन इंग्लिश में भी आपके एग्जाम में भी आता है, तो हर तरीके से आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो और सीखो, और पिछले वीडियो को देख लो जो लोग नहीं देखे हो। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो, और इस वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर करो, और सब लोग अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक करो, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल क्लिक कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। धन्यवाद।